अगर हम खाने को पेपर या अखबार में लपेट देते हैं तो इससे क्या हो सकता है, और क्या हम नॉन टॉक्सिक एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल घर में कर सकते हैं? तो आप सुनोगे कुछ इजी तरह के फैक्ट, तो बने रहो मेरे साथ इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर एक, ये जो आप देख रहे हो ये दुनिया का सबसे महंगा तकिया है जिसकी कीमत आपका दिमाग खराब कर देगी। और मालूम इसकी कीमत कितनी है? करीब 45 लाख। ये इंसोमेनिया यानी कि जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए एक अजीब अनूठा तोहफा है। फैक्ट नंबर टू, अगर आप सोमालिया जाने का प्लानिंग कर रहे हो तो आपका फेवरेट समोसा वहाँ आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि वहाँ समोसा बैन है। फैक्ट नंबर थ्री, 70% लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनका फोन वाइब्रेट हुआ है जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ होता है। और क्या आपको पता है इस कंडीशन को फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम बोला जाता है, यानी कि जिसमें आदमी को बार बार उसका मोबाइल वाइब्रेट फील होता है। फैक्ट नंबर फोर, अक्सर जब हमें खाने को पैक करना होता है तो हम खाने को पेपर में लपेट लेते हैं, पर सेहत के हिसाब से ऐसा करना ठीक नहीं होता है क्योंकि पेपर में यूज हुई इंक आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। फैक्ट नंबर फाइव, अगर आपको एक नॉन टॉक्सिक एयर फ्रेशनर का आनंद लेना है तो आप एक काम करो, संतरे के छिलकों को और दालचीनी की स्टिक को पानी में डालकर मीडियम हीट पर उबाल लें और एक नॉन टॉक्सिक एयर को अपने घर पर ही इंजॉय करें, जो आपके मूड को बिल्कुल अलग ही लेवल का आनंद दे सकती है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।